नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे फ्लशिंग क्या होता है, मतलब कि एसी, फ्रीजर, कूलर या डीप फ्रीजर के अंदर जो कचरा अगर जम जाता है तो उसको कैसे फ्लशिंग करते हैं, फ्लशिंग क्या होता है उसके बारे में पहले जानते हैं। तो एसी, फ्रीजर या कूलर के पाइपों के अंदर, मैकेनिकल पार्ट्स के अंदर अगर किसी कारण से कचरा जम जाता है और उस कचरा को बाहर निकालने के लिए जो प्रक्रिया अपनाया जाता है उस प्रक्रिया को फ्लशिंग कहा जाता है। मतलब फ्लशिंग के द्वारा उसके अंदर जमे हुए कचरे को बाहर निकालते हैं। ये जो पाइप है, ये जो कंडेंसर है, इसके अंदर किसी कारण से अगर कचरा जम जाता है, जिसे वो हवा के नमी के कारण अगर कचरा जम जाता है, तो उस कचरे को साफ़ करने के लिए जो क्रिया अपनाया जाता है उसको फ्लशिंग कहा जाता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानते हैं कि एसी, आज जानेंगे इसी के बारे में, आज सीखेंगे एसी, फ्रीजर, कूलर या डीप फ्रीजर का जो फ्लशिंग करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। इससे पहले अगले वीडियो में हम लोग समझे थे कि एसी का जो पार्ट्स होता है वो तीन पार्ट से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और एयर फ्लो सिस्टम, ये सब इस तरह से काम करता है। तो एसी हो, फ्रिज हो, कूलर हो या डीप फ्रीजर हो, ये सब का वर्क लगभग सेम होता है। मतलब कोई भी कूलिंग सिस्टम, जो सिस्टम कूलिंग करने का काम करता है, वो जो फ्रीजिंग करने का काम करता है, वो सबका जो वर्किंग सिस्टम होता है लगभग सबका सेम होता है। तो इसलिए इसमें हम लोग एसी, फ्रीजर, कूलर या डीप फ्रीजर के बारे में जानेंगे और इसमें हम लोग फ्लशिंग के बारे में जानेंगे। तो उसका फ्लशिंग कैसे करते हैं, अब इसका भाई फ्लशिंग का रिक्वायरमेंट क्यों हुआ, आवश्यकता क्यों होता है, फ्लशिंग क्यों कब करते हैं। तो अगर किसी कारण से इस पाइप के अंदर कचरा जम जाता है और वो पाइप को अंदर के कचरा जम जाने से गैस के बहाव को आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से रोक देता है, आगे गैस को फ्लो नहीं करने देता है, उस स्थिति में फ्लशिंग करना पड़ता है। और फ्लशिंग करने के बाद मतलब उसके अंदर जो कचरा है उसको निकाल करके और फिर दोबारा उसको लीक टेस्ट करते हैं, उसके बाद गैस चार्ज करते हैं और तब फ्रीजर वर्क करता है या एसी वर्क करता है। तो चलिए थोड़ा इन शॉर्ट में हम लोग जानते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये सब एसी, फ्रीज या कूलर का जो मैकेनिकल पार्ट्स है वो उसी में चौकिंग होता है। तो उसके बारे में जानते हैं कौन कौन सा पार्ट्स होता है। तो ये कंप्रेसर होता है, ये इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों पार्ट्स होता है, इसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स बोल सकते हैं। उसके बाद में इसमें तीन लाइन होता है, एक सक्शन लाइन, एक डिस्चार्जिंग लाइन, एक चार्जिंग लाइन। ये जो पाइप आता है ये, इसको कंडेंसर बोला जाता है। कंडेंसर का काम है कि डिस्चार्जिंग लाइन से जो गैस जाता है वो गैस वेपर के रूप में होता है, उस वेपर को घुमा घुमा करके और इतना घुमाता है कि घुमा करके और इसको ये वेपर से इसको द्रव में बदल देता है, मतलब जो गैस से इसको द्रव में बदल देता है। और ये द्रव से यहाँ आके इसमें एक फिल्टर लगा हुआ होता है, आगे जब द्रव जाता है तो फिल्टर उसको फिल्टर करता है। मतलब किसी कारण से अगर इस गैस के जो द्रव है इसमें वायुमंडल का अगर नमी होगा तो उसको इसके अंदर जो फिल्टर होता है, इसके अंदर सिलिकन का महीन बालू जैसा गोली होता है, तो वो बालू जैसा जो गोली होता है वो हवा में जो नमी होता है, मतलब इस गैस के अंदर जो नमी है, जो फ्रीजर गैस के अंदर नमी है, रेफ्रिजरेंट के अंदर जो नमी है, जो द्रव में हो गया है, उसको ये फिल्टर करता है, उसको अवशोषित कर लेता है और इस तरह आगे शुद्ध गैस जाता है। तो आगे जब शुद्ध गैस जाता है तो यहाँ पे कैपिलरी ट्यूब लगा हुआ है, इसे कैपिलरी ट्यूब बोला जाता है। बहुत पतली पाइप होता है, 0.5 mm के आसपास का इसका लगभग व्यास होता है। तो ये जाता है और यहाँ से ये एवैपोरेटर में जाता है। अब इसका ये जो कैपिलरी है ये काफ़ी लंबा होता है, इसलिए इसको क्वाइल के रूप में रखा जाता है, क्वाइल के रूप में मोड़ के रखा जाता है ताकि कम जगह में ये सेट हो सके। और इस कैपिलरी ट्यूब का जो वर्क है वो है कि इधर से जो प्रेशर आता है, जो गैस का जो प्रेशर है उसको कंट्रोल करता है, मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर में इसको कन्वर्ट करता है। लो प्रेशर से आगे जाता है ये जो फ्रीजर का गैस है, वो लो प्रेशर होकर के तब कैपिलरी से होकर के एवैपोरेटर में आता है। एवैपोरेटर का वर्क है कि ये जो एवैपोरेटर है इसका काम है किसी वस्तु या स्थान के जगह पर वहाँ के गर्मी को खींचना, वहाँ के गर्म हवा को खींचना, गर्मी को खींच कर और वहाँ पे कूलिंग का प्रभाव छोड़ देना। तो यहाँ पे मेन जो वर्क है कूलिंग का वो इवेपोरेटर करता है।
यही मतलब यही एक यही वह सिस्टम है जो कूल करता है, मतलब जिसके लिए हम लोग एसी फ्रिज का यूज करते हैं। इसे कूलिंग कॉइल भी कहा जाता है या एवेपरेटर कहा जाता है, कई दो तीन नामों से इसे जाना जाता है। अब क्या होगा, ये लिक्विड के रूप में है, द्रव के रूप में है, तो जब यहाँ पे ये कूलिंग कॉइल में जब लिक्विड मतलब द्रव जब पास होगा, उस स्थिति में जब यहाँ पे जो गैस यहाँ पे जो ये जो एवेपरेटर है वो किसी वस्तु या किसी जगह के गर्मी को अपने अंदर खींच करके और वहाँ कूलिंग का प्रभाव छोड़ेगा, तो ये जब गर्मी को खींचेगा तो इसके अंदर जो लिक्विड है द्रव है वो क्या होगा, द्रव जो है वो गर्म होने पर भाप बन जाता है। तो फिर बाद में अब जो यहाँ से जो लिक्विड के रूप में यहाँ पे द्रव आया था वो वाष्प का रूप धारण करेगा, मतलब वेपर में चेंज हो जाएगा, और ये इस तरह यहाँ से वेपर बन करके और यहाँ पे आएगा। एक एक्यूमुलेटर होता है, एक्यूमुलेटर इसलिए होता है ये, और कुछ नहीं होता है, ये खाली पाइप का थोड़ा मोटा मोटा व्यास का टुकड़ा होता है, उसमें कनेक्ट किया होता है। तो ये क्या होता है कि जब यहाँ से वेपर आएगा तो अगर कुछ जो द्रव जो वेपर नहीं बन पाया होगा वो इसके नीचे यहाँ पे आकर के रुक जाता है, जम जाता है, और जो ये वेपर है वो यहाँ से सक्शन लाइन से अंदर कंप्रेसर से होते हुए फिर डिस्चार्ज लाइन से आगे चला जाता है, और बाद में ये धीरे धीरे ये जो द्रव है ये भी वेपर में चेंज होकर के फिर यहाँ से ये इधर आगे आ जाता है, कंप्रेसर से होते हुए डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर में आता है, और कंडेंसर जो ये जो गैस है इस गैस को घुमा घुमा करके वेपर से द्रव में चेंज कर देगा, और ये फिल्टर उसको फिल्टर करेगा, और आगे ये कैपिलरी ट्यूब में आएगा, कैपिलरी ट्यूब इसके प्रेशर को कंट्रोल करेगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में चेंज करेगा, और उसके बाद में कैपिलरी ट्यूब से इवेपोरेटर में आएगा, और इवेपोरेटर जब किसी वस्तु या स्थान के जगह को स्थान के गर्मी को अपने अंदर खींचता है और वहाँ कूलिंग का प्रभाव छोड़ता है, तो ये द्रव गर्म होने के कारण फिर वेपर में चेंज हो जाएगा, और फिर ये वेपर यहाँ से आते हुए एक्यूमुलेटर से होते हुए और फिर सक्शन लाइन में, फिर सक्शन लाइन से डिस्चार्ज लाइन में, इस तरह एक तरह से साइकिल चलते रहता है, इस तरह से एक साइकिल मतलब कंप्लीट होते रहता है लगातार। उसके बाद ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये एक्यूमुलेटर में टच होता है, इसको हीट एक्सचेंजिंग बोला जाता है, इस तरह से ये वर्क करता है। अभी हम लोग को जानना है, ये तो अभी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में समझे हैं कि इसका जो वर्किंग होता है एसी फ्रीजर, डीप फ्रीजर इस सब का वर्किंग क्या होता है। अभी हम लोग को जानना है फ्लशिंग ऑफ एसी फ्रीज कूलर एंड डीप फ्रीजर, मतलब इस सब का जो फ्लशिंग है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले फ्लशिंग करने के लिए ये जो सबसे पहले कंडेंसर का फ्लशिंग करते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, ये कंडेंसर के पाइप वो यहाँ से कट कर देते हैं, यहाँ से कटिंग कर देते हैं। ये कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, इसको वेल्डिंग गन से हीट करके और इसको निकालते हैं, या ट्यूब कटर से काट करके इसको अलग कर देते हैं, इसको काट करके अलग कर देंगे तो यहाँ पे ये यहाँ ट्यूब ये दोनों ये पाइप अलग हो जाएगा, ये मतलब फिल्टर अलग हो जाएगा और ये पाइप अलग कंडेंसर पाइप अलग हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करने से ये इधर से यहाँ से फिल्टर से ये एयर खींचेगा और ये एक्यूमुलेटर से होते हुए सक्शन लाइन से होते हुए कंडेंसर से होते हुए यहाँ से फिर बाहर निकलेगा। तो उस समय क्या है कि इसको अंगूठा से इसके ट्यूब को दबा कर रखते हैं, इसके प्रेशर को बंद करते हैं, मतलब अंगूठा से दबा कर रखते हैं पाइप को, और तब तक दबा कर रखते हैं जब तक कि मतलब हाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर ना हो जाता है, ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उसके बाद में झटके से अंगूठा को हटाते हैं, जिसके कारण इसके इस पाइप के अंदर जो भी कचरा जमा हुआ होगा ये झटके से हटने के कारण ये एयर झटके से निकलेगा और उसके साथ में ये जो भी कचरा इसके अंदर होगा वो सब बाहर निकल जाएगा। ये क्रिया को मतलब कई बार करते हैं, जब तक इसके अंदर से कचरा आना पूरा बंद हो जाएगा, उसके बाद में तब इस क्रिया को बंद कर देंगे। फिर इसको क्या करेंगे, ये जो फिल्टर है, जब भी फ्लशिंग करते हैं तो फिल्टर को चेंज कर दिया जाता है, इसलिए कि फ़िल्टर को चेंज करने का मतलब है कि जिधर से जितना कचरा आकर के सब फिल्टर में ही जमा होता है, तो फिल्टर तो बार बार जितना बार फ्लशिंग होता है उतना बार चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद दूसरा बात है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है, अगर कैपिलरी ट्यूब चौक हो जाता है तो कैपिलरी ट्यूब को चेंज कर देते हैं। उसके बाद अगर ये सही से वर्क कर रहा है, ये चौकिंग इधर ही है, तो क्या करते हैं कि इसको कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा कंडेंसर का फ्लशिंग कंप्लीट हो जाता है,
अब इवेपोरेटर का फ्लशिंग करना होता है। तो इवेपोरेटर का फ्लशिंग करने के लिए पाइप को यहाँ से, ट्यूब को यहाँ से कटिंग करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। यहाँ से काटने के बाद फिर कंप्रेसर को ऑन करेंगे। तो जब यहाँ से कटिंग करेंगे तो ये जो सक्शन लाइन है इसका जो यहाँ पे जो ये अलग हो गया ना, ये ट्यूब अलग हो गया और ये ट्यूब अलग हो गया, मतलब कटने के बाद अलग अलग हो गया। तो अब इधर यहाँ से ये सक्शन लाइन से एयर को खींचेगा और इधर से होते हुए कैपिलरी ट्यूब से होते हुए इवेपोरेटर से होते हुए इधर से एयर निकलेगा। तो यहाँ पे अंगूठा से दबाते हैं ट्यूब को और कंप्रेसर ऑन रहता है, और ऑन करने के बाद इसको दबाते हैं और फिर उसी तरह जिस तरह कंडेंसर का फ्लशिंग किया गया उसी तरह इसका भी फ्लशिंग करते हैं। और इस तरह हाथ से बार बार दबाते हैं, कई बार झटके से हटाते हैं, उसके बाद में हटाने के बाद इसके अंदर जो भी कचरा होता है वो सब कचरा बाहर निकल जाता है और इस तरह फ्लशिंग कंप्लीट हो जाता है। फ्लशिंग कंप्लीट होने के बाद अब इसको क्या है, इसको फिर दोबारा वेल्डिंग गन से इसको हीट करके और इसको जोड़ देते हैं। उसके बाद में इस तरह फ्लशिंग का क्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लीक टेस्ट किया जाता है। लीक टेस्ट करने के लिए हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे कि ये फ्लशिंग करने के बाद लीक टेस्ट कैसे किया जाता है, उसमें गैस कैसे चार्जिंग किया जाता है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।